यहाँ से मतलब बॉलिंग गुड लेंथ है और फिर एक्सीलेंट ये सब होता है, तो ये कुछ अपना पिच है और फिर यहाँ से बैटिंग होती है और यहाँ पे विकेट होती है गाइस। और फिर ये देखो यहाँ पे भी चूना ये सब डलाएगा, अभी डलाया नहीं है। की पहली गेम आराम से चल रुका रुका बाहर निकल। आज फाइनल मैच होने वाला और फिर 3:30 से स्टार्ट होगा और ये लोग अभी माइक फिट कर रहा और फिर यहाँ पे पानी का डब्बा जो के भी आया नहीं है, तो अभी तो डेकोरेट हो चुका है और फिर ये देखो माइक अपना क्या जी का माइक है पता नहीं और ये मैं मेरा परछाई गाइस। और आज फाइनल होने वाला वो अपना पिच जो कि काफ़ी अच्छा से मरम्मत हो चुका है, चलो आप लोग को आज पिच दिखा देते हैं गाइस और फिर इसके बाद आज जो फाइनल मैच होगी ना उसका अपन लोग वीडियो भी पोस्ट करते जाएंगे, मतलब पोस्ट सारा वीडियो शूट होगा और फिर पोस्ट होगा गाइज। तो अभी देखो गाइज मैं आपको पिच दिखाता हूँ। सो गाइज ये कुछ पिच है, इधर से बॉलिंग होती है और फिर अपन लोग फाइनल है तो उतना मरम्मत नहीं हो पाएगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, बॉलिंग करने में इशू होता है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। बाकी पिच देखो गाइज काफ़ी ज़्यादा हार्ड पिच है और फिर यहाँ तक तो बॉलिंग लेंथ ही रहता है ना मेन, यहाँ से मतलब बॉलिंग गुड लेंथ है और फिर एक्सीलेंट ये सब होता है, तो ये कुछ अपना पिच है और फिर यहाँ से बैटिंग होती है और यहाँ पे विकेट होती है गाइज। और फिर ये देखो यहाँ पे भी चूना ये सब डलाएगा, अभी डलाया नहीं है, चूना वहाँ पे रखा हुआ गाइज ये देखो, तो यहाँ पे चूना है और फिर चूना डलाएगा, मैच स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले डलाएगा और फिर मैच काफ़ी अच्छा भी होगा। और फिर धूप देखो गाइज काफ़ी हेवी वाला है, तो इतना ही तेज गर्मी है ना, अभी 3 बज रहा है तो सोच लो कितना तगड़ा वाला गर्मी होगा। और मैच स्टार्ट होगा 15-20 मिनट में और फिर ये किसी का सुबह गाइज, किसका सुबह पता नहीं पर जिसका भी ये बेचारा भूल गया यहाँ पे। और ये अपन लोग टावल में गाइज, ये देखो ये मेरे को दिख रहा है ना ये टावल वाला, ये मैं हूँ गाइज। अभी टॉस हो रही है और फिर अभी टॉस में क्या होता है ये तो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा गाइज। और फिर मेरा चॉइस हेड है गाइज, अगर हेड आ गया तो अपन लोग बैटिंग करेंगे क्योंकि मेरा यही ऑप्शन है गाइज। और फिर हेड भी आ गया तो अभी अपन लोग बैटिंग करेंगे और फिर हमारे अपोनेंट वाले फील्डिंग। तो फाइनली गाइज अभी अपना सारा कुछ हो चुका है, लाइक यहाँ पे भी नेशनल एंथम स्टार्ट होगी और फिर ये अपना 2 कप विनर का गाइज, ये राइट साइड वाली कप है और लेफ्ट साइड वाली रनर का है। तो अभी यहाँ पे नेशनल एंथम स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद कुछ होगी गाइज, इसके बाद मैच स्टार्ट होगी, लाइक हम लोग का पहले बैटिंग है और फिर इन लोग का फील्डिंग है, तो अभी नेशनल एंथम स्टार्ट होता है गाइज। ये देखो ये पिच अभी चूना पड़ चुका है और फिर ये बॉलिंग साइड का ये विकेट है गाइज और फिर अभी बैटिंग साइड वाली दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज इधर भी चूना हो चुका और फिर यहाँ से बैटिंग होने वाली और पीछे की साइड कीपर का है गाइज और पिच भी ना काफ़ी तगड़ा वाला। और फिर ये देखो गाइज ये फील्डर्स लोग भी आ चुके हैं और फिर ये चेयर गाइज ऐसे ही बैठा हुआ है, तो अभी उधर की साइड 2 अंपायर भी आ चुके हैं। ये देखो ये 2 अंपायर, एक रिसु है और फिर एक कौन है मेरे को पता नहीं और एक टीम मैनेजमेंट है गाइज, तो अभी मैच स्टार्ट होगी। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा अपोनेंट बोले तो फील्डर आ चुका और फिर मैच अभी स्टार्ट होने वाली है। पिच पर पहुंच चुके हैं और बॉलिंग के लिए तैयार है बॉलर मुरारी। हेलो और ये इस मैच की पहली गेम आराम से कट गया लाइट 1 रनों के लिए।
भोला इलेवन का स्कोर। सामने स्ट्रेट में खेला हुआ शॉट और फील्डर चूके, मिस फील्डिंग और ये दो रन आराम से हो जाएगा। इसी के साथ इनका स्कोर 3 रन पे, भोला इलेवन का स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट। चेतन शर्मा आए हैं, चेतन सकारिया नया सो फाइनली गाइस पूरा मैच का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लाइक अभिषेक अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो गाइस मैच का लास्ट मोमेंट आपको दिखा दे गाइस। मैच एंड हो चुकी है और फिर अभी सारे लोग प्राइज लेने के लिए आ चुके हैं, लाइक अभी हमारा जो अपोनेंट वाला था वो भी अपना प्राइज लेगा। लाइक वीडियो को देखो गाइस, आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा कौन जीता है और फिर कौन हारा है। तो अभी ये भी कुछ हमारा अपोनेंट टीम का प्लेयर है, ये भी काफी अच्छा बैटिंग किया गाइस और फिर बॉलिंग भी काफी मस्त वाला किया, तो इसको मेडल मिला। और फिर अभी आने वाली है गाइस चांस अपना मैन ऑफ द मैच जो कि सचिन भाई है। अब सचिन किसके तरफ का प्लेयर है ये भी आपको इसके बाद ही पता चलेगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स गाइस, इसके बाद आपको पता चलने वाली कौन विनर और फिर कौन रनर होने वाला है गाइस। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहो और फिर देखो गाइस। सो फाइनल मोमेंट गाइस, ये देखो ये रनर लाइक तुम्हारा भाई विनर हो चुका है और फिर हमारे सामने वाले जो अपोनेंट टीम थे ना वो उनका कैप्टन है ये जितेंद्र भैया नाम है इनका, और फिर ये रनर हुए तो रनर अपना ट्रॉफी लिए और फिर फाइनली गाइस अपना विनर गाइस। मतलब वो जो मोमेंट होता है ना वो मोमेंट आ चुका गाइस, ये विनर वाला कप है जो कि मैच जीता हूँ। काफी टाइम लगा गाइस, काफी मेहनत लगा और फिर फाइनली अपन लोग विनर बन चुके हैं और फिर कप भी ले चुके हैं गाइस। तो अभी मोमेंट काफी मस्त है, अभी सारे लोग साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बट अपना कोई प्लेयर आया नहीं, अभी धीरे धीरे आ रहा है, उसके बाद अपन लोग सेलिब्रेट करते हैं गाइस क्योंकि और हंगामा तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। तो चलो अपना सारा प्लेयर आ चुका है गाइस। वीडियो आ रहा है जी। सो फाइनली गाइज आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया और फिर आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी हो क्योंकि अपना टूर्नामेंट का फाइनल मैच था गाइज और फिर फाइनल का सीन कुछ अलग हो जाता है। बट अपन लोग से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइज क्योंकि जब वीडियो बना रहा था ना अभिषेक, क्योंकि अपन लोग तो प्लेइंग 11 में थे तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, तो अभिषेक वीडियो बना रहा था बट वीडियो बनाया उसने गाइज मतलब पॉज करने के जगह ना वो पता नहीं क्या किया, वीडियो डिलीट ही हो गया गाइज। जो हमारा लास्ट जो विनिंग मोमेंट होती है ना जिसमें करीब एक बॉल में उसको 23 और फिर 30 रन के राउंड मारनी थी, एक ओवर में उसको टोटल 33 रन मारनी थी बट उसने 3 या 4 रन मारी थी और फिर अपन लोग 25 या फिर 30 रन से ऐसे ही जीते थे। तो वो मोमेंट गाइज काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था हम लोग का जो कि कैप्चर नहीं हो पाया, बस कुछ ही 2-3 मिनट का जो मैच का होता ना गेम का वो वीडियो कैप्चर कर पाया, तो इसके लिए सॉरी गाइज। बट फिर भी कोई ना यार, आप लोग इन्जॉय किए होंगे वीडियो को देख के। और फिर अपन लोग गाइज ये देखो ये कप गाइज फर्स्ट ये देख रहे हो नंबर 1 अपन लोग विनर रहे हैं गाइज। तो अपन लोग फ्रंट कैमरा से ले रहे हैं इसी कारण से नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ गाइज। रुक जाओ, बट ऐसे ही सही है यार, आज़ाद आश्रम क्रिकेट टूर्नामेंट तो विनर ऑफ 2023 ये देख लो, विनर ऑफ 2023 फर्स्ट प्राइज। तो ये कप मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है गाइज क्योंकि अगर तुम जीत रहे हो ना, फर्स्ट आ रहे हो ना, तो तुम्हें कितना पैसा भी कोई कुछ दे देना और तो कोई मन नहीं भरता गाइज पैसा वैसा से कुछ होता नहीं है, बट इतना छोटा सा भी गिफ्ट दे देना अगर तुम फर्स्ट आ रहे हो, इतना छोटा सा भी गिफ्ट दे देना तो वो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है गाइज क्योंकि तुम ना उसमें कितना एफोर्ड किया, कितना मेहनत लगाया हो ना, वो तुम्हें इस छोटी सी गिफ्ट में ना दिख जाती है। तो मेरे को ये कप मिला और ये मेडल गाइज ये देखो ये मेडल मेरा सारे प्लेयर्स को मिले गोल्ड, ये गोल्ड मेडल और फिर जो रनर आया था ना उनको सिल्वर मेडल्स मिले थे सारे लोग को, आप लोगों ने देखा होगा गाइज वीडियो में हमने दिखाया था ना, तो वही सारा कुछ मिला था। और फिर अपन लोग यार मतलब जीत का ना काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा है गाइज क्योंकि यार काफ़ी मेहनत किए थे गाइज और जीत गए, सही है यार, बस यही बोलना चाहते हैं, बस मेहनत किया करो यार सारे लोग, हम भी मेहनत किए आप लोग भी मेहनत करो। सो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो,
कमेंट करके जरूर बताना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो। वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या बोले गाइस, बस ये जो कप मैं देख रहा हूँ ना, इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा गाइस। ये ऊपर का देखो, इसको मेरे को ना छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। फर्स्ट है यार, मतलब इससे पहले मैंने कप लिया था जो कि मैं विशाखापट्टनम में पढ़ता था ना, 10+2 वहां से कर रहा था, तो वहां पे मैंने एक इनाडू चैंपियन ट्रॉफी खेला था। इनाडू चैंपियन ट्रॉफी जो कि तेलुगु में बोलते हैं सारे लोग इनाडू, तो अपन लोग इनाडू चैंपियन ट्रॉफी खेले थे। उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट रन था गाइस, फर्स्ट नॉकआउट मैच था, तो उसमें अपन लोग 54 रन मारे थे जो कि मेरा वहां का मोस्ट रन हो गया था। और फिर अपन लोग 2-3 मैच कंटिन्यू जीते और फिर चौथा में अपने को बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीके से हार के निकलना पड़ा था, बट मेरे पास भी वो मेडल मिला था। वहाँ पे कप मिला था, 2 कप, एक चेस में मिला था और एक क्रिकेट में, तो वो कप भी मेरे पास रखा हुआ है। बस वो अपन लोग गोदरेज में रख दिए, क्योंकि मेरे को जब भी मन करता ना वो कप को देखते हैं तो अपने को थोड़ा सा फ्रेशमेंट आती है गाइस अंदर से कि यार मैंने भी कुछ जीता है। और ये कप तो गाइस काफ़ी बड़ा सा है, तो मैं इसको ना एक बॉक्स में लगाने वाला हूँ। जो भी मेरे पास मेरा जो कप है ना, सारा को मैं बॉक्स में लगा दूंगा, सबको दिखाऊंगा, मैं डेली देखूंगा इस कप को। तो बस इतना ही बोलना चाहते गाइस, मेहनत करो और फिर जीतो, क्योंकि मेहनत का जो भी होता है ना काफ़ी अच्छा लगता है। सो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा गाइस, काफ़ी ज़्यादा गर्मी यार, बोल सकते हो ना 45 डिग्री सेल्सियस अभी इधर है, और फिर फैन भी चल रहा है, फिर भी पसीना ही गिर रहा है गाइस। तो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें गाइस, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। जो भी हमारे चैनल पर नए बनते हैं ना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना गाइस। सो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइस।